सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अफान खान स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कहते हैं कि इल्ज़ाम मोहब्बत के डर से छोड़ दिया वतन अपना, इल्ज़ाम मोहब्बत के डर से छोड़ दिया वतन अपना, वरना छोटी सी उम्र परदेश की काबिल कहाँ थी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही कमाल का है और बहुत बड़ी सीख लेकर आया है। दोस्तों, मैं आज आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक साधु महाराज बारिश के मौसम में मस्ती से झूमते हुए जा रहे थे और जो बारिश का जो गंदा पानी था उस गंदे पानी में छप छप पैर मारते हुए जा रहे थे और मस्ती में डोलते हुए जा रहे थे। तो देखते क्या कि अचानक सामने एक हलवाई की दुकान है और वहाँ पर साधु महाराज को गर्मा गर्म दूध उबलता हुआ दिखाई दिया और पास में ही दूसरी कढ़ाई में उनको गर्म गर्म जलेबी बनता हुआ दिखाई दे रही थी। अब साधु महाराज मौसम की वजह से थोड़ा मौसम भी मस्त हो रहा था, थोड़ी हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड भी पड़ रही थी, तो साधु महाराज उस हलवाई दुकान के पास में जाते हैं और वो गर्म दूध और जलेबी खाना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, साधु महाराज की तो जेब ही नहीं थी। अगर जेब नहीं थी तो फिर पैसे कहाँ से होते? तो उनका जो मन था वो ललचा रहा था जलेबी और दूध खाने के लिए। तो साधु महाराज थोड़ी देर जो हलवाई की भट्टी होती है वहाँ पर थोड़ा हाथ सेकते हैं और जैसे ही चलने का वहाँ से मन बनाते हैं तो वो जो हलवाई होता है उसके मन में थोड़ी सी दया आती है और साधु महाराज की फीलिंग को समझते हैं। वो हलवाई उसको एक गरम प्याला दूध और थोड़ी सी जलेबी उनको देते हैं। तो साधु महाराज जलेबी खा के और गरम दूध पी के नए जोश एनर्जी के साथ दुनिया के मोह माया से बिल्कुल परे होने के बाद मस्ती से उसी बारिश में छम छम करते हुए जा रहे थे, उस गंदेले पानी में छप छप पैर मारते हुए जा रहे थे दुनिया की परवाह किए बगैर। वो ये भी भूल गए थे कि उनके पीछे एक नव विवाहित जोड़ा जिनकी नई नई शादी हुई थी वो बारिश के गंदे पानी से बचता बचाता वो भी अपने घर की ओर जा रहा था। तो क्या हुआ, साधु महाराज ने इस बार उस गंदे पैर पानी में अपना जो पैर है वो छप देनी जोर से मारा और उसके जो छींटे थे, जो गंदा पानी था, वो पीछे जो पति पत्नी आ रहे थे तो वो जो पीछे चल रही थी लेडीज उसके कपड़ों पर जाके गिर गया, जिससे उसके कपड़े खराब हो गए, गंदे हो गए। अब ये सब देखते हुए जो उसका मंगेतर था, जो उसका शोहर था, उसको बहुत बुरा लगा, उसको इतना गुस्सा आया कि साधु महाराज ने उस की जो वाइफ है उसके कपड़े खराब कर दिए, गंदे कर दिए। अब वो लाल पीली आंखें करता हुआ गुस्से में तन बन साधु महाराज का जाके मतलब पकड़ लेता है उसको और बोलता है कि आपको तमीज नहीं है, आप छप छप करते हुए जा रहे हैं, आपने हमारी जो वाइफ है उसके कपड़े खराब कर दिए, गंदे कर दिए। अब उसकी जो वाइफ है वो साधु महाराज को छुड़ाना भी चाहती है, बचाना भी चाहती है, जैसे बचाने के लिए जाती है तो वो अपने पति की जो फीलिंग है उसके गुस्से को देख के पीछे हट जाती है, क्योंकि उसका पति बहुत ज़्यादा गुस्से में था। चारों तरफ आसपास में और भी लोग उसको देख रहे होते हैं, वो भी साधु महाराज को बचाने के लिए सोच रहे होते हैं, लेकिन उस लड़के का गुस्सा देख के कोई उसको बचाता नहीं है। इतने में क्या हुआ, वो जो लड़का था तन मन हो के गुस्से में मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ कपड़े ख़राब कर दिए, गंदे कर दिए तुमको, तो पट देनी साधु महाराज के गाल में थप्पड़ एक लगा देता है। साधु महाराज उस थप्पड़ की जो चोट है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और नीचे गिर जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं और सब बिकट तरीके से पूरा गंदा हो जाते हैं। साधु महाराज ऊपर हाथ उठाते भगवान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि वाह मेरे भगवान, कभी मुझको गरम दूध और जलेबी देता है और कभी कभी गरम गरम थप्पड़ देता है, ये तेरी कैसी मतलब माया है कि गरम गरम दूध और जलेबी भी दे रहा है और कभी कभी गरम थप्पड़ भी दे रहा है। तेरी रजा में मैं राजी हूँ, जिस हाल में तू रखेगा, जिस तरीके से तू रखेगा मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि गरम जलेबी और दूध पी तू ही दे रहा है, थप्पड़ भी तू ही दे रहा है, शायद तेरी मर्जी है, जैसा तू मुझे रखे मैं खुश हूँ। इतना कह के वो साधु महाराज आगे चले जाते हैं और जो वो
हस्बैंड और वाइफ थे, वो भी कुछ दूर चलने के बाद में अपने घर में एंट्री करते हैं, घर में जाते हैं, तो बारिश में मतलब भीगने के बाद जैसे वो जो उसका हस्बैंड होता है, वो जो लड़का होता है, अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, तो थोड़ा फिसलन होने के बाद जैसे बारिश के पानी से भीग गए थे तो फिसलन हो गई थी, तो उसका जो पैर है वो सीढ़ियों से रपक जाता है, फिसल जाता है, और वो जो लड़का होता है वो नीचे गिर जाता है, उसके सर से खून निकल रहा होता है। अब उसकी जो वाइफ है चिल्लाती है, बहुत जोर जोर से बोलती है कि बचाओ, तो आसपास के जो लोग थे उसकी हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। साधु महाराज भी जब ये देखते हैं तो वो भी वापस आने लगते हैं, लेकिन अफसोस की बात किया है कि ज्यादा खून निकलने की वजह से वो जो लड़का था वो वहां पर एक्सपायर हो गया, वो डेथ कर गया, मर गया वो। तो वहां पर आसपास में जो लोग थे, जो लड़के थे, वो आपस में कानाफूसी करने लगते हैं कि शायद साधु महाराज ने इसको श्राप दे दिया है जिसकी वजह से ये लड़का मर गया है। लेकिन साधु महाराज ने श्राप नहीं दिया था, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, साधु महाराज भी जानते थे, उस लड़के को श्राप नहीं दिया था। अब जैसे साधु महाराज उसके लड़के के पास में आते हैं तो चारों तरफ से उसको लोग घेर लेते हैं, लड़के घेर लेते हैं और बोलते हैं कि साधु महाराज आप बड़े बेकार इंसान हैं, आप कैसे भगवान के भक्त हैं कि आप एक मामूली थप्पड़ के लिए आप किसी इंसान की जान ले लिए, उसको श्राप दे दिए। तो साधु महाराज बोलते हैं कि भगवान कसम, भगवान गवाह है और मैं गवाह हूं, भगवान कसम मैंने इस लड़के को श्राप नहीं दिया है। तो लोग बोलते हैं अगर आपने श्राप नहीं दिया तो फिर ये सीढ़ियों से गिरने के बाद मर कैसे गया? तो साधु महाराज बोलते हैं कि इस भीड़ में ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह है। तो वहां से एक हाथ उठता है, बोलता कि साधु महाराज मैं इस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह हूं, ये सारी मैंने घटना होते हुए देखी है। तो साधु महाराज बोलते हैं कि एक बात बताइए, क्या मेरे पैरों से जो गंदा पानी गया था, क्या इस लड़के के कपड़े उसने गंदे किए थे, खराब किए थे? तो बोलता कि नहीं। तो फिर इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो साधु महाराज से वो जो व्यक्ति है वो बोलता है कि इस के कपड़े खराब नहीं किए थे, बल्कि इसकी जो प्रेमिका थी, इसकी जो वाइफ थी, उसके कपड़े खराब किए थे। तो ये लड़का कैसे बर्दाश्त कर लेता कि कोई इसकी प्रेमिका के कपड़े गंदे करे, खराब करे? क्योंकि ये इससे प्रेम करता है, ये इससे मोहब्बत करता है, इसलिए ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए इसने आपको थप्पड़ मारा। तो साधु महाराज बोलते हैं कि सेम वैसे ही जब इस लड़की का यार, इस लड़की का प्रेमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि कोई उसको चोट पहुंचाए, कोई उसको खराब करे, तो कोई है जो मुझसे भी प्रेम करता है, जब इसका प्रेमी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है कोई कोई इसके कपड़े गंदे करे, तो मेरा प्रेमी भी, मेरा भी कोई चाहने वाला है जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि जो मुझे चोट पहुंचाए, वो भगवान, वो ईश्वर, वो मेरा यार है, वो भी मुझसे प्रेम करता है, वो भी मेरा प्रेमी है, तो वो कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि कोई साधु महाराज को, कोई मुझे थप्पड़ मारे? तो ये बदला मैंने नहीं लिया है, मैं कसम खाता हूं मैंने इसको श्राप नहीं दिया। तो ये सब कर्मों का फल होता है मेरे भाई। तो ये सारी कहानी, ये सारी मतलब बातें बताने का मेरा मतलब उद्देश्य ये है कि कभी भी अपनी लाइफ में किसी की इंसान का दिल नहीं दुखाना है, अपने कर्मों को अच्छा करना है, गलत तरीके से, नाजायज तरीके से पैसा नहीं कमाना है और लोगों की हेल्प करना है। ये सारी जो कहानी है ये हमको ये सिखाती है कि हमको इसी जन्म में कर्म फल भोगना पड़ता है, चाहे वो हम भुगते हैं या हमारे रिलेशन के भुगते हैं, कोई ना कोई जरूर भुगतेगा, ये कर्म फल हमको भोगना पड़ता है। ये होती है आस्था दोस्तों, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो लाठी है उसकी लाठी से बड़े बड़े राजा महाराजा डरते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी, ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।